मायके कैसे जाए। नीना जी की छोटी बहू अनोखी है और बड़ी चंचल, मतलब इनके नाम है अनोखी और चंचल। दोनों किचन में खुसर पुसर कर रहे हैं आज। दीदी, शादी के बाद से अब तक 2-4 दिन के लिए भी मायके नहीं गई। ऐसा पता चला है कि बिट्टू का बर्थडे है पहला अगले हफ्ते, अच्छे से मनाएंगे। बहुत मन है जाने का। अरे कौन बिट्टू? अरे मेरे ताऊ जी के बेटे की साली का बेटा। अच्छा, कभी मिली भी हो बिट्टू की मम्मी से या बस जाने का बहाना चाहिए? अब दीदी, आपसे क्या छुपाना, मौके पर चौका लगाना तो आप सबसे बेहतर जानती हैं। अनोखी बड़े ही अनोखी अंदाज में चंचल से जाने की तरकीब पूछ लेती है, पर चंचल के चालाक दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही होती है। माँ जी, इसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकती। मायके जाना है छोटी बहुरानी को, बड़ी आई मायके वाली। अरे दीदी, कुछ बताओ ना, कैसे पूछूं माँ जी से? सबसे पहले तो ये करो कि कुकर में चने डाल दो। है क्या दीदी, इससे खुशी मिलती है क्या? अरे खाली कुकर फट गया ना तो माँ जी परमानेंट ही पहुँचा देगी मायके। फिर बनाना वहाँ चने, खाना हो या नहाना, माँ जी को सब समय पसंद है। किचन से आवाजें सुनकर माँ जी किचन में प्रकट हो जाती हैं। खाना बना या आज बातों से ही पेट भर ले सब। अरे बस 5 मिनट और मेज पर आ जाइए सब। दिन भर काफी सोच विचार करने के बाद चंचल को नंबर 1 आइडिया आ ही जाता है और रात को छोटी बहू को चंचल रानी अपने पास बुलाती है। कल सुबह 4 बजे उठकर पूजा की तैयारी कर लेना और प्रसाद के बहाने माँ जी से पूछ लेना मायके जाने का, ठीक है? 4 बजे दीदी? अरे जाना है ना, जाना है कि नहीं जाना? हाँ हाँ, उठ जाएंगे जी हम। अगले दिन सुबह ही उठकर अनोखी पूजा की सब तैयारियां कर लेती है और आंगन में तुलसी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अरे वाह, छोटी बहू रानी की सुबह तो आज बहुत जल्दी हो गई। अरे गुड मॉर्निंग माँ जी। दोनों सास बहू पूजा करते हैं, फिर अनोखी माँ जी को प्रसाद देती है और डरते डरते माँ जी से पूछ लेती है, अरे माँ जी, अगले सप्ताह मेरे ताऊ जी के यहाँ प्रोग्राम है, 2-4 दिन के लिए मायके चले जाए का? समझते हैं। अच्छा, छत से अचार की बरनी तो ले आना, काली मिर्च पीस कर रख देना और लाल मिर्चों को धूप दिखा देना। माँ जी की जाते ही चंचल आ जाती है और अब आ गया है वक्त चंचल के षड्यंत्र के अगले पड़ाव का। ये बनेगी तुलसी माँ जी के आंगन की। इसे तो अभी बताती हूँ। दीदी, मैंने माँ जी से पूछ लिया पर उन्होंने तो इतने सारे काम दे दिए। अरे अनोखी, जाओ जाओ, तुम जाकर सो जाओ, मैं कर लूंगी सब, तुम बोल देना कि तुमने किया है। अरे थैंक यू दीदी। अनोखी अपने कमरे में जाकर सो जाती है और चंचल सारे काम उल्टे कर देती है। काली की जगह लाल मिर्च पीस देती है, लाल मिर्च को रखने की जगह काली मिर्च धूप में रख देती है और अचार वहीं रखा रहने देती है। ये सब करके माँ जी के पास पहुँच जाती है। माँ जी लाइए, आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। अरे तू ही जानती है अच्छे से सब। हाय मेरी बड़की, अरे पता नहीं ये अनोखी ने सब किया कि नहीं। अभी बुलाती हूँ माँ जी। अनोखी, ओ अनोखी, सो रही हो क्या? जी जी दीदी आए। छोटी बहू रानी जल्दी से सोकर उठती है और भाग कर माँ जी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। जी दीदी, माँ जी पूछ रही हैं कि सब काम कर दिया? हाँ दीदी, कर दिया।
शाम को जब माँ जी सारा काम देखती हैं तब होता है बवाल और फिर किए जाते हैं सवाल। गुस्से में माँ जी दोनों बहुओं को बुलाती हैं। अनोखी, चंचल, किधर हो दोनों? यहाँ आंगन में आओ जल्दी से। जी माँ जी। जी, सुबह कुछ काम करने को कहे थे, कहाँ ध्यान रहता है तुम दोनों का? माँ जी, मैंने तो पौधों को पानी दे दिया, बाबूजी की चाय भी समय से दुकान पर पहुँचा दी थी और शाम के खाने की तैयारी भी कर ली है। अच्छा, और तुमने छोटी बहू रानी, तुमने भी कर दिया था ना सब? जी जी, हाँ माँ जी, अचार, मिर्ची, काली वाली सब इधर उधर कर दिया। सुन लिया करो अच्छे से, और ना आए तो समझ लो बड़की से पूछ लिया करो, आगे से ध्यान रहे, समझी? माँ जी दोनों की डांट फटकार लगाकर चली जाती हैं। अब अनोखी चंचल को देखती है और चंचल तो मन ही मन बहुत खुश होती है। फिर अनोखी को गोल गोल बातें बनाकर समझा देती है। दीदी, आपने तो सब उल्टा पुल्टा कर दिया। अरे तुझे तो पता है कितने काम होते हैं, थोड़ा इधर उधर हो गया, तुम चिंता ना कर। ऐसे करना, कल माँ जी का पसंदीदा हलवा बना देना। हाँ दीदी, ये सही बताया आपने, और इसी बहाने मैं पूछ भी लूँगी।